हमारे साथ अनुराग भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। अनुराग जी, गिरफ्तारी हो गई आशीष मिश्रा की। आप ये कहिए कि मैं तो ये कहूंगा कि जब अभी भी जब तक आरोपी के जो पिताश्री हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका प्रभाव तो आपने देखा, ये लगातार अपने बेटे को बचाते नजर आए थे। तो जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे, इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। अपोजिशन के इतने हल्ला गुल्ला मचाने पे बड़ी मुश्किल से उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो आपको क्या लगता है, ये चार्जशीट वगैरह जब आयोग अपॉइंट करेंगे तो क्या उसमें इनको फायदा नहीं पहुंचाएगी पुलिस? मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्यों नहीं देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेते, जिससे निष्पक्ष इंक्वायरी हो पाए और जो 8 लोगों की मौतें हुई हैं और जिसकी वजह से हुई हैं, उसको कम से कम न्याय तो उनके परिवार को मिल पाए। ये थोड़ी खाना पूर्ति करके आपने छोड़ देंगे यार। भाई आप बताइए, आपने किस धारा में बुक किया और क्या क्या उसने बताया है और किस तरह से आप उसको आयो आप अपॉइंट करेंगे? तो इसलिए देश का गृह राज्य मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ, हम समाजवादी लोग पहले से इस बात को कह रहे हैं कि आरोपी है, उस पर आरोप तय होना चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। समाजवादी के प्रेशर में आके उनके हंगामे की वजह से आज न्याय मिल रहा है कि वो आरोपी जेल जा रहा है। अनुराग जी एक मिनट, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के दबाव में आकर ये न्याय मिल रहा है, लेकिन आज तो थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने भी पीसी की थी। पवन खेड़ा जब आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दबाव की वजह से ऐसा हो पाया। अरे वो मैं जो कह रहा हूँ बस आप सुन लीजिए और ये बताइए कि अब देश का गृह राज्य मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं दे लिया जाएगा, उससे न्याय नहीं मिल पाएगा पीड़ितों को, क्योंकि उन पीड़ितों को न्याय तभी मिल सकता है जब देश का गृह राज्य मंत्री आरोपी का जो पिताजी हैं, वो जब तक अपने पद को अपने मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अनुराग जी, चूंकि इनके पिता एक रसूखदार शख्स हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, तो आपको ये लगता है कि जब तक वो पद पर रहेंगे नहीं लगता नहीं है यही होगा, क्योंकि वही तो बचा रहे थे इतने दिन से, कह रहे थे मेरा बेटा बेकसूर है, वो तो बिहेव कर रहे थे अपने पिता की तरह, वो देश के गृह राज्य मंत्री की तरह कहां से उन्होंने व्यवहार किया, कब व्यवहार किया 5 दिनों में जरा बता दीजिए आप, एक बार भी उन्होंने व्यवहार किया हो? हमेशा बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, उसका उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आ पाया। और पुलिस ने क्या कहा है अनुराग जी, आपको पता है पुलिस के जो अधिकारी हैं उपेंद्र अग्रवाल कानपुर रेंज के DIG, उन्होंने कहा कि सहयोग नहीं कर रहा जांच में आशीष मिश्रा और कई सारी बातें नहीं बताना चाहता है। तो वही तो कह रहा हूँ, कैसे करेगा भैया, देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है भाई, हल्के में ले रहे हैं क्या? IPS महोदय की कहाँ हिम्मत है कि उससे सवाल पूछ लेंगे? जब तक आप पद से नहीं हटाएंगे IPS और किसी पुलिस वाले उससे सवाल। चलिए ठीक है, शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।